चुनावी मौसम में सभी पार्टियां रेस है। एक तरफ जहां एनडीए ने चुनाव के ऐलान से पहले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी ओर से अब तक महागठबंधन का स्वरूप तय नहीं हो पाया है। सारठ से जेवीएम नेता उदय शंकर सिंह ने इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत की है, संवाददाता विमलेंदु ने। मौजूद है उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, जेवीएम के वरिष्ठ नेता है, सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं। इनसे हम जानते हैं, और एक चीज़ और भी मैं बता दूं चुन्ना सिंह जी के बारे में, ये चार बार विधायक रह चुके हैं सारठ विधानसभा क्षेत्र से, जानते हैं इनसे बात करते हैं कि महागठबंधन को लेकर क्या सीन बन रहा है, जेवीएम का अगला कदम क्या होगा और सारठ विधानसभा क्षेत्र को लेकर इनकी क्या सोच है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ चुन्ना सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, सबसे पहले मैं आपसे बात की शुरुआत करूँगा महागठबंधन को लेकर, जो अब नोटिफिकेशन भी आने वाला है। अब तक एनडीए की जो सूरत है वो तो तय है, महागठबंधन का सीन अब तक तैयार नहीं हो पाया है। जेवीएम के रूप में क्या देखते हैं आप, अगला कदम क्या होगा जेवीएम का? देखिए, मैं तो सिपाही हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि महागठबंधन अवश्य है, होगा ही, चूंकि भाजपा की जो अपनी शैली है, जो अपना तरीका है, फूट डालो राज करो, उससे हम लोग बहुत दूर रहने के लिए ही एक हैं और रहेंगे और होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगला कदम महागठबंधन की होगी जिस दिन ब्रॉडकास्ट होगा कि महागठबंधन है और रहेगा, फिर हमारे विरोधियों की हवा उड़ेगी कि अब क्या होगा, क्योंकि अभी का ये रिजल्ट बता रहा है, दो तीन प्रदेशों में जो हुआ वो बता रहा है कि महागठबंधन सबसे ऊपर रहेगा। इससे हाथ मिलाना अब के समय में भाजपा को बहुत दिक्कत वाली बात है। जो महाराष्ट्र के नतीजे आए, हरियाणा के जो नतीजे आए या बिहार के जो नतीजे आए, सब अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। आरजेडी की बात करें तो बिहार में उसने एक तरीके से एनडीए के जबरे से जीत को खींचा है, तो संथाल इलाके की अगर हम बात करें और जो एक महागठबंधन बन रहा है, तो क्या लगता है अब दबाव की राजनीति होगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जन आक्रोश रैली के जरिए, भीड़ के जरिए दबाव बढ़ा रही है, और आरजेडी का जो परफॉर्मेंस रहा बिहार उपचुनाव में, क्या लगता है दबाव होगा महागठबंधन पर? महागठबंधन पर दबाव नहीं होगा, बल्कि महागठबंधन अपनी जगह पर दुरुस्त है। उनके प्रत्याशी हैं, जेवीएम के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं राज्य स्तर पे, और सारठ विधानसभा क्षेत्र के ये जेवीएम के प्रत्याशी हैं, खुलकर बेबाकी से अपनी बात बता रहे थे और कह रहे थे कि अगर महागठबंधन बनता है तो उसमें जेवीएम की स्थिति क्या होगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ सारठ से न्यूज 11 के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा।